आप देख रहे हैं मुर्तजा डोगो वर्ल्ड यूट्यूब रिएक्शन चैनल, आपका फेवरेट रिएक्शन चैनल। तो दोस्तों क्या हाल चाल है, होप सो आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे और अपनी लाइफ में मजे कर रहे होंगे। और दोस्तों आज का जो पैगाम है, जो मैसेज है, वो ग्रेटिट्यूड के रिलेटेड है, शुक्रगुजारी के ऊपर है कि जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया है आप शुक्र अदा करें, उसकी जो ब्लेसिंग्स हैं, उसकी जो नेमतें, जो फैसिलिटीज आपको मिली हैं उसका शुक्रिया अदा करें। और हमारी वीडियो आज की जो है वो महाभारत के ऊपर है, महाभारत की स्टोरी को नरेट किया है खान सर ने। तो वीडियो के टाइटल की तरफ बढ़ते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो का टाइटल है जी महाभारत स्टोरी इन हिंदी बाय खान सर। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 लेट स्टार्ट। भारत में सबसे ज्यादा अगर किसी के साथ छल कपट हुआ है बेचारा कर्ण के साथ, जीवन से मरण तक बेचारा को जिसने देखा उसने बेचारे से छल कपट, भगवान का रूप लेकर कृष्ण भगवान लोग, इंद्र भगवान ये लोग मिलकर उससे कवच कुंडल छीन लिया। कवच कुंडल नहीं तो कोई मार देता क्या? कवच कुंडल नहीं मार सकते। आखिरी वक्त में जब रथ का चक्का उठा रहे थे तो भी उसके साथ छल किया गया। लास्ट में जब मृत सैया पर लेटा था तो उसके उसके ब्राह्मण का भेष लेकर कृष्ण भगवान उससे कहे कि हमको कुछ दक्षिणा दो मरने के टाइम पे, तो पत्थर लेके सोना का दांत तोड़ दिया, सोना का दांत तोड़ दिया कर्ण ने। अतिया तो उन्होंने मना कर दिया, कहा कि ब्राह्मण को झूठा देते हो। तो उसने कहा कि काम कीजिए ब्राह्मण देवता, हमको तीर लग गया है, हम उठ नहीं पा रहे हैं, वो मेरा धनुष उठा के दीजिए। धनुष बहुत बलशाली था, तो कहा कि हम उठा के देंगे तो ये मेरा कर्म हो जाएगा। और ब्राह्मण को कर्म के बदले उसकी मजदूरी मिलती है, दीक्षा नहीं मिलती। बेचारा कराहते हुए अपने से कर्ण ने धनुष उठाया था और इंद्रदेव को मारा बरसा हुआ धूल के दिया था। इसलिए जब तक पृथ्वी कर्ण जैसा महाबली कोई और उतना दानी नहीं होगा, भले जीते अर्जुन थे, अर्जुन जीते नहीं जिताए गए थे, अर्जुन जीते नहीं जिताए गए थे। तो सत्य की जीत के लिए कर्ण वह व्यक्ति था जो हार कर भी सत्य को विजयी बना दिया, क्योंकि कर्ण अगर नहीं रहता तो कौरव जीत जाता, कर्ण अगर नहीं मरा रहता तो कौरव जीत जाता। तो कर्ण ने अपना कवच कुंडल जान दिया था इसलिए कि कर्ण मारा जाए और कौरव हार जाए, वरना वहां बड़ी स्टोरी थी, बड़ी पॉलिटिक्स थी इसके अंदर, मुश्किल हो जाता। तो इतना मतलब वहां था। तो वृंदावन में कृष्ण भगवान ने बहुत बहुत उपदेश दिया, लेकिन एक उपदेश को अगर आप ध्यान से देखेंगे ना, तो उसने कृष्ण भगवान जब उसका रथ का चक्का उतर जाता है कर्ण का, तो कृष्ण भगवान से कहता है कि आप मर्यादा का ख्याल रखिए, रथ का चक्के उतरने पे आप मार कर रहे हैं। और उस व्यक्ति से जिसने अपना कवच कुंडल दान दे दिया, उस व्यक्ति से, तो कहा कृष्ण भगवान ने क्या कहा था, तुम बात मर्यादा की करते हो, पांचाली को वैश्य कहने वाला कौन था? पांचाली को कहीं ना कहीं आपके जीवन के कुछ ऐसे शब्द हो जाते हैं जो आगे जाके आपकी जान ले सकते हैं। बहुत अच्छी स्टोरी जिंदगी लेकिन जीवन में कभी ऐसा शब्द मत निकालिएगा जिस वजह से आपकी जान या फिर जान मर जाना ही जान नहीं ले रहा है, कभी ऐसी बेइज्जती, कभी ऐसा फंस जाइएगा कि वो शब्द आपको जीने नहीं देगा। और शब्द एक बार निकल गया तो वापस नहीं ले सकते। तो वृंदावन में जाइएगा तो बड़ी बड़ी कथा होती है वहां पर, सुनिएगा तो बहुत बढ़िया कथा कहता है, मन लगता है बहुत, कभी जाइएगा सुनिएगा बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन पूछेगा वृंदावन गार्डन कहाँ पर है, वृंदावन गार्डन कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में है। कहाँ है? कर्नाटक के मैसूर में। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म हो चुकी है और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो खान सर ने बहुत अच्छा नरेट किया और बहुत से लेसन हमें सीखने को मिलते हैं। तो इसमें जो है वो अपने अल्फाज जो हैं, अपने शब्द जो हैं, उनको बड़ी समझदारी के साथ बोलना चाहिए, चाहे आपके सर पे किसी ने तलवार क्यों ना रख दी हो, आप किसी भी मुश्किल में क्यों ना हो, जब आपके अल्फाज से आपकी इज्जत नहीं रहेगी तो आपके लिए कुछ भी नहीं रहेगा, इससे बेहतर है कि इंसान का मर जाना। लो तो दोस्तों बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बने रहने के लिए, लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, थैंक यू वेरी मच।